हेलो दोस्तों, जय मसीह की। कैसे हैं आप? स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल जिसका नाम है हिंदी बाइबल ज्ञान। हम पढ़ते हैं रोमियो 14:7 पहला वचन, हमें से कोई भी न तो अपने लिए जीता है और न अपने लिए मरता है। हम जीते हैं तो प्रभु के लिए और यदि मरते हैं तो भी प्रभु के लिए। दोस्तों, आप जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये जीवन इसलिए दिया है ताकि हम उसकी महिमा कर सके, हम उसकी आराधना कर सके। परमेश्वर चाहता तो हमें जैसे बहुत से जानवर हैं, जीव जंतु हैं, वैसे ही हमको भी बना देता, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। जानते हैं क्यों नहीं किया? क्योंकि परमेश्वर आपसे और हमसे बहुत ही प्रेम करता है। सारी मानव जाति को यानी सबको अपने परिवार के लिए बनाया था ताकि एक मेरा विशाल परिवार होगा। परमेश्वर कहता है कि सभी लोग आपस में मेरी आराधना करेंगे, मेरी बताए रास्ते पर चलेंगे। लेकिन इंसान जो है वो पाप में पड़कर बुरे काम, जैसे कि बहुत सारी बुराइयां उसके अंदर आ जाती हैं। परमेश्वर चाह ले तो हमें चुटकी में मिटा सकता है। हम उसके सामने क्या है? हम मिट्टी के धूल के कण के बराबर भी नहीं है। अगर वो चाहता तो हम भी वैसे ही जीते जैसे कि नाली में जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वैसे ही हम भी रहते, कोई नहीं हमें पूछने वाला होता। लेकिन परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया, हमारे अंदर आत्मा डाला ताकि हम एक दूसरे के सुख दुख को समझे, एक दूसरे की मदद करें। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया था। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें से कोई भी न तो अपने लिए जीता है और न अपने लिए मरता है। हम जीते हैं तो केवल प्रभु के लिए और मरते भी हैं तो केवल प्रभु के लिए। सो चाहे हम जिए चाहे मरे, हम हैं तो प्रभु के ही। यानी हम जो कुछ भी करें, हम हैं तो प्रभु के ही संतान ना। भले ही इंसान रास्ता भटक जाता है और बुरे काम करने लगता है, किसी के बहकावे में आकर, किसी के कहने पर, लेकिन परमेश्वर ने उसके अंदर भी कॉन्शंस यानी आत्मा दिया है, उसको भी सोचने समझने की क्षमता दिया है, बुद्धि दिया है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जब वो अच्छाई जानेगा तो वो परमेश्वर के पास फिर लौट कर चला आएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। दोस्तों।